यार सबसे पहले तो मैं शाकिर को 23 साल से जानता हूँ एंड शाकिर इज़ गेटिंग डेजिग्नेटेड टू अ वेरी अमेजिंग पोस्ट इन फैशन टीवी, तो मैं उसके खुशी में शामिल होने आया हूँ, हम उसके खुशी में शामिल होने आए हैं और बहुत दिनों के बाद मैं अपने करीबी दोस्तों से मिलने वाला हूँ। मैं पवित्रा को कह रहा था कि आज मुझे आना है क्योंकि मुझे जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ उनने ही मिलना है, तो आई थिंक वील हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, नॉट मच, क्योंकि हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं और मैं आजकल सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करता हूँ। तो पवित्रा आप क्या कह रहे हैं? I know Shakir through Ijaz, of course, so all the very best to him and heartiest congratulations because he, the designation that he has got, so really happy for him. एक मिनट, वो पंखा इधर घुमाना, थोड़ा आगे ले गया, वायर भी है, परफेक्ट, गिर गया, पकड़ के रख, करेक्ट, थैंक यू। मॉडलिंग की है, हाँ हाँ, बहुत कुछ याद आता है। मैं अभी अभी एक एड फिल्म के लिए बात कर रहा था गाड़ी में और मुझे उसके 1/4 पैसे, पांच एड्स का कैंपेन था वो, तो यार याद आती है, लेकिन तब बहुत कम लोग थे, कंपटीशन भी बहुत कम था, तो हमने बहुत खाया था। मॉडलिंग से इन दिनों के आगे सफर की अगर बात की जाए, कुछ याद आता है, कुछ ऐसे नंबर्स, इस जर्नी को कैसे देखते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पवित्रा जी ने भी मॉडलिंग से अपना काम शुरू किया था और वो रैंप मॉडल थी, वो इस वक्त पंखे को देख रही हैं, लेकिन हाँ अच्छा मत कर यार, मत कर, क्यों इनके बाल उड़ा रहा है, घुमा दे उसको वापस। आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन विद मॉडलिंग ओनली, बहुत दिल्ली में बहुत मॉडलिंग करती थी विद ऑल द बिग बिग डिजाइनर्स, आई वॉज ब्लेस्ड, तो हाँ अच्छी एक्साइटिंग डेज थे, ये नहीं पता था कि फिर आई एंड अप विद दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ एफटीवी इवेंट, तो यस मजा आता था मॉडलिंग करने में रैंप बॉक्स में। आप दोनों के फैशन की अगर बात की जाए, जैसे कि काफी स्टाइलिश लग रहे हैं आज आप दोनों, आप ब्लैक पहन रहे हो, तो क्या स्टाइल मंत्र है आप दोनों का? स्टाइल मंत्र क्या है भाई, मतलब क्या फॉलो करते हैं? मैं तो जनरली जो भी कंफर्टेबल हो वो पहन लेता हूं। इस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली आदित्य मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, आदित्य सचदेव, उनसे मैंने ये कपड़े मंगाए, तो बस, और बाकी आई थिंक मैम शी हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ हरसेल्फ, शी विल एलाबोरेट। या ऑलवेज जस्ट स्टैंड आउट इन द क्राउड, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, इफ सम यू नो दैट अ क्राउड इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक ड्रेस कोड, ऑलवेज जस्ट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन अ डिफरेंट स्टाइल, यू नो, शो द पीपल वट यू हैवंट वेयर टिल नाउ, शो द पीपल वट दे लव अबाउट वेयर यू वेयरिंग, सो दिस इज वट आई ऑलवेज फॉलो। Okay, model Sahil Shah, is he? Yeah. Oh, is in good luck. I wish him luck. I think he'll do well. He's a fun, fun guy. I didn't realize that he's. So, what do you think? How can he perform inside? I mean, well, he'll have to speak Hindi, so that's you know, I think that might be a little challenging for him, but I think he'll do well. He's a fun guy, you know. So. But do you think he can be successful in entertaining contestants? I don't know, you know, it depends, and honestly
It's very difficult to say who does well, who you know the audience is like. It's a very personal thing, you know. Someone may find you amazing, and they may find you cute, and they may find you entertaining, and then on the other hand, they may find you irritating, you know. And so there'll always be haters, and there'll always be people who like you. But in terms of an enduring quality, I don't know. It's very difficult to say. It changes from time to time, I believe. And also the thing is, with the show heavily edited, you know, you don't know what's being shown or how much is being shown outside of what you're actually living on a day-to-day basis. So what happens is they don't show all of it. So the audience is seeing, you know, honestly, a very small bit of what actually happens or how much you actually do. So, and they rarely show the nicer stuff, you know, the things that when you're being nice to someone or being kind to someone or being friendly with someone. So if they show a track where you're fighting with someone, then they catch that track and they run that the whole season. So it's very difficult. It's so heavily edited. So, you know, the audience is seeing, they're judging you on something so small. So in terms of liking and not liking and being endearing, it's like, it's difficult, you know, like you have different age groups also that really enjoy you, and then certain age groups that just won't, so it's difficult. एक ऑडियंस तक आपने भी अपनी एक छाप छोड़ी उसके बाद में आपको फिर बिग बॉस में आते जाते नहीं देखा है फिर आपको हमें नजर नहीं आई यू नो आई एक्चुअली डिड आई डिड आई वेंट बैक आई थिंक ऑन सीजन 10 एज अ गेस्ट यू नो एज अ गेस्ट ऑन स्टेज ऑन वन ऑफ द वीकेंड्स But other than that, no. I mean, like going back and forth in the house, I think there's only few contestants who've just gone back and forth all the time. It's not the format of the show. And honestly, I don't find that interesting to have someone like Vikas. He's very sweet and all of that.